जिस भस्मासुर ने महादेव से वरदान प्राप्त कर महादेव को ही भस्म करने की कुचेष्टा की थी वो महाअसुर के रूप में पुनर्जीवित होने वाला है माता। कैसे संभव है? गुरु शुक्राचार्य के पास महादेव से मिली मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से माता, पंच महाभूतों के मंदिरों से तत्वों की शक्ति चुराकर तारकासुर असुर गुरु शुक्राचार्य को दे रहा है। गुरु शुक्राचार्य उन शक्तियों की सहायता तथा भस्मासुर की भस्म से उससे भी शक्तिशाली एक महाअसुर को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। और चिंता की बात यह है माता कि वो सफलता के समीप है, केवल एक अंतिम महाभूत की शक्ति का उन तक पहुंचना शेष है। तारकासुर, हो सकता है बिना पांचवें तत्व की मणि शक्ति के ही हम सफल हो जाएं। ये तत्व बहुत ही पुराना और मां संजीवनी मंत्र से सिद्ध तत्व है। बाल शिव, अब तू कभी महादेव नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरा महाअसुर तुझे तेरे बाल स्वरूप में ही भस्म कर देगा। हाँ प्रभु, यदि अंतिम तत्व की शक्ति शुक्राचार्य तक पहुंच गई तो वो अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे और संसार पर महासंकट आ जाएगा। परंतु देवर्षि, आपको यह सूचना अविलंब देनी चाहिए थी। क्या पता तारकासुर अंतिम और पांचवें तत्व की शक्ति को चुराने में सफल हो गया हो। मित्र, धैर्य और संयम धारण कीजिए। चिंता, भय, अधर्ता हमारी क्षमता का क्षय करते हैं, समस्याओं को बढ़ा देते हैं। परंतु मित्र, हमें किसी भी परिस्थिति में तारकासुर को पांचवें तत्व की शक्ति को प्राप्त करने से रोकना होगा। हमें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। चिंता मत कीजिए मित्र, हमारे पहुंचने तक हमारा ये त्रिशूल उस स्थान को और उस स्थान में समाई शक्ति की रक्षा करेगा। हमें अपनी गति बढ़ानी होगी मित्र। गुरुदेव, हम सफल हो गए। अंतिम महाभूत की शक्ति के बिना हम सफल हो गए गुरुदेव। हाँ तारकासुर, महासुर अब जागने वाला है, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ।
ये क्या हो रहा है गुरुदेव? कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है अंतिम महाभूत की शक्ति न मिलने के कारण तारकासुर। पांचवी मणि शक्ति का अविलंब आना अनिवार्य है। यदि इसी प्रकार विस्फोट होता रहा तो महाअसुर का शरीर पूर्णतः बिखर जाएगा और हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। पर महाअसुर को पुनर्जीवित करना असंभव होगा तारकासुर। नहीं गुरुदेव, अजामुखी मणि लेके आती ही होगी, तब तक आप इसे किसी तरह बचाइए। मुझे यहां से आखिरी शक्ति मणि को लेकर जाना होगा, अन्यथा मेरे भ्राता की योजना फलीभूत नहीं होगी। देवपाल शिव का त्रिशूल है जिसने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। इसका अर्थ है मैं शक्ति मणि प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अगर मैं शक्ति मणि को लेकर नहीं पहुंची तो क्या होगा? विलंब हो रहा है तारकासुर। यदि विस्फोट इसी प्रकार चलता रहा तो हमारा परिश्रम व्यर्थ होने से हमें कोई शक्ति नहीं बचा सकती। पांचवी मणि शक्ति अविलंब लेकर आओ। जो हो गया गुरुदेव। क्या हो रहा है? इतना विलंब क्यों? कठिनाइयों के कारण भ्राता। कैसी कठिनाई? पाल शिव ने त्रिशूल की शक्ति से मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसके कारण मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। शिव, तेरा ये विघ्न उत्पन्न करना मेरे मार्ग में तुझे बहुत भारी पड़ेगा। प्रभु, इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहां कोई शिवलिंग नहीं है, यहां केवल निराकार शिव की पूजा की जाती है। पूजा आरंभ करें माता। पतिं पापनाशं परेशं तस्येन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये सुरन्दाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरारे।
गतिं पापनाशं परिशं गजेन्द्रस्य वृत्तिं वसानं परिण्यं जटाजूटमध्ये सुरन्दाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारे चिताम्बरम मंदिर की पूजा भी संपन्न हुई माता। साथ ही पंच महाभूतों के समस्त मंदिरों की पूजा भी संपन्न हुई। माता, ऐसी मान्यता है कि पंच महाभूतों के मंदिरों की यात्रा करने के पश्चात कुछ निस्वार्थ दान पुण्य करना चाहिए, तभी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अवश्य देवर्षि, परंतु उससे पूर्व यहाँ बनने वाली शक्ति मणि का हमें पता लगाना होगा और उसे अपने अधिकार में करना होगा। मित्र, शक्ति मणि हमेशा मंदिर के दीवार के पास ही उत्पन्न होती है। हमें शीघ्र वहां चलना चाहिए। अजामुखी, शक्ति मणि मेरे सामने निर्मित हो रही है और मैं उसे पाने में असमर्थ हो रहा हूं। शिव, तू डाल डाल में भाग भाग, मैं नहीं तो मेरी मायावी शक्ति जाएगी अंदर और वो असली मणि के प्रतिरूपी मणि का निर्माण करेगी। ये रही मणि। Shit!
शिव, वो देख, अंतिम मणि शक्ति। प्रभु, अनर्थ हो गया प्रभु। पंच तत्वों की शक्ति तारकासुर के हाथ लग गई। अब उन शक्तियों की सहायता से गुरु शुक्राचार्य उस महाअसुर को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाएंगे और संसार में हाहाकार मच जाएगा। सुख शांति सब नष्ट हो जाएगी। पता नहीं उसके इस संकट से अब संसार कैसे बच पाएगा। यह अनर्थ मेरे कारण हुआ है। मुझे आरंभ से ही आपको अपने साथ लाने के परामर्श को मान लेना चाहिए था, परंतु मैंने क्रोधावश आपका सहयोग लेने से मना कर दिया और उसका दुष्परिणाम आज सबके सामने है। महाभूतों की शक्तियों की रक्षा नहीं कर पाई और मैंने संसार को संकट की अग्नि में आहूत कर दिया। स्वयं अपने हाथों से। मित्र, इस जगत में वही होता है जो नियत होता है, और नियति कोई कार्य स्वयं नहीं करती, माध्यम को चुनती है और उसके द्वारा उस कार्य को पूर्ण करती है। परंतु मित्र, क्या ये कर्मों के दोष से मुक्ति पाने का मार्ग नहीं? नहीं, कर्म दोष से मुक्त करने को अदंडित करने का निर्धारण भी नियति ही करती है। मित्र, यदि हमारा हृदय हमारे भाव पवित्र है तो हमें अपने कर्मों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप अपने मन को ग्लानि से मुक्त कीजिए। सभी हम महासनाओं के संकट का सामना कर पाएंगे। किंतु इस संकट का सामना आप नहीं करेंगे मित्र। मैं अकेले नहीं करूंगा मित्र। पूर्व की भांति हम दोनों साथ मिलकर इस संकट का अंत करेंगे। नहीं मित्र, आप उस असुर के सम्मुख कदापि नहीं जाएंगे। देवर्षी, नंदी जी, माता, ध्यान रहे, महाअसुर मित्र शिव के सम्मुख ना आ पाए। अब इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का उत्तरदायित्व आप दोनों का है। उत्तम विचार है माता। जो आज्ञा माता। मित्र शिव अगर महाअसुर के समक्ष आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा।